चलिए 15 नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर a मेरे पास दिया गया 1/√3 -1/√2 1/√6 0। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, द मैट्रिक्स i4 -a ट्रांसपोज इज इनवर्टिबल। अच्छा जैसे a दिया गया है हमारे पास, ठीक है, a ट्रांसपोज निकाल रहे हो अगर आप, a ट्रांसपोज राइट। अगर इसकी आइगन वैल्यूज देखोगे, हम देख रहे हैं इसके, देखो दो तरीके हैं, या तो आप a a ट्रांसपोज करो, आप a ट्रांसपोज करके ये मेरे पास कुछ ऐसा आएगा 1/√3 -1/√2 1/√6 एंड 0, ये ऐसा आएगा कुछ। फिर आप मल्टीप्लाई करो, a ट्रांसपोज करो, मैट्रिक्स बनाओ राइट, फिर i4 से माइनस करो, देन उसका देखो डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, मतलब एक ये तरीका है, डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, वहां से पता चल जाएगा आपको। ये थोड़ा लेंथी है, हम शॉर्ट देख रहे हैं। अगर a a ट्रांसपोज कर रहे हो तो हमको पता है यहां पर कि यहां पर अगर हम बात करने लग रहे हैं तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी, जैसे n cos n की मेरे पास है, n cos n की है, ठीक है, a ट्रांसपोज, अगर मेरे पास n cos n की मैट्रिक्स बन रही है तो यहां पर आप देखोगे कि n माइनस 1 टाइम्स, अगर मैं आइगन वैल्यू के थ्रू देखूं तो n माइनस 1 टाइम्स मेरे पास क्या आएगा, आइगन वैल्यू 0 होगी राइट, और एक मेरे पास ऐसी आएगी a a ट्रांसपोज, सिंपल। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो हम वही बस कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहां पर, ठीक है, कि जैसे मेरे पास यहां पर a ट्रांसपोज है तो ये मेरे पास अगर आप देखोगे ये कैसी है, ये 4 cos 1 की है राइट। अगर a a ट्रांसपोज करोगे तो a ट्रांसपोज जो बनेगी मेरे पास, ये a ट्रांसपोज जो बनेगी वो 4 cos 4 की बनेगी, तो मतलब 3 टाइम्स तो 0 ही 0 आएगा, 3 टाइम्स 0 0 आएगा और एक मेरे पास a ट्रांसपोज हो जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अब यही a ट्रांसपोज को देख लेते हैं, a ट्रांसपोज इसको अगर निकालना चाहे तो मेरे पास क्या निकलेगा, आप देखोगे कुछ इस तरह से a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कर लेते हैं यहां पर, अगर आप करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये 1/3 राइट, प्लस यहां पर आएगा माइनस 1/√2 का करोगे तो मेरे पास 1/2 प्लस 1/6 प्लस 0 राइट। तो ये अगर आप निकालते हो तो मेरे पास क्या आएगा, 6 3 1 ठीक है, प्लस 0 ओके, यहां 0 को क्या ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां पर ये मेरे पास 6 ये आ जाएगा 1। तो अब यहां पर हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल गए, मतलब यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो 0 0 0 1 ये इसकी आइगन वैल्यूज निकल गए a ट्रांसपोज करने पर। तो अब हमारा काम सिंपल हो गया। अगर हम i4 की देखें, आइडेंटिटी है सारी आइगन वैल्यू 1 1 1 1 होती है, है ना, तो अब आप देख सकते हो अगर मैं p के लिए p स्टेटमेंट देखता हूं, अगर मैं यहां पर p स्टेटमेंट देखूंगा तो क्या होगा, आप देखिए इजीली कर सकते हो यहां पर कि i4 माइनस a a ट्रांसपोज, इसकी अगर आइगन वैल्यूज निकालोगे तो क्या क्या आएगी, 1 माइनस 0 करोगे 1, 1 माइनस 0 1, 1 1 माइनस 1 करोगे 0। अब आप देख सकते हो, अब इसका जब डिटरमिनेंट निकाल रहे होगे, इसका जब डिटरमिनेंट निकाल रहे होगे तो सबका मल्टीप्लाई है ना, सभी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है डिटरमिनेंट, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास इनवर्टिबल नहीं है, ठीक है, तो नॉट इनवर्टिबल, इनवर्टिबल। तो p जो है हमारे पास वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेम अगर i4 माइनस 2a ट्रांसपोज करते हो आप तो मेरे पास क्या आएगा, i4 माइनस a ट्रांसपोज, तो इसकी आइगन वैल्यू पहले देख लो क्या आएगी, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 तो 1 ही आ गया। अब ये अगर मैं 2a ट्रांसपोज किया है तो इसकी क्या होगी, 0 0 0 2 राइट, 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 आएगा। अब इसका प्रोडक्ट जब करोगे आप, क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट जब निकालते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर देते हैं, जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, वो माइनस 1 आएगा व्हिच इज नॉन जीरो, तो यहां से ये इनवर्टिबल हो गए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो क्यू स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी आपकी पी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो क्यू स्टेटमेंट करेक्ट, पी स्टेटमेंट फॉल्स, क्यू दोनों ट्रू गलत है, तो क्यू ट्रू पी फॉल्स, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।